आर गोविंद मेघवाल जी की चेयरमैनशिप में जो मीटिंग हुई है वो बहुत ही सार्थक हुई है। सबने एक स्वर में कहा है कि हम जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, प्रचार करेंगे, हमारी योजनाओं का प्रचार करेंगे, लोगों के दुख सुख में शामिल होंगे और हम जीत करके फिर राजस्थान में सरकार बनाएंगे। पूरे कैंपेन को लेकर के चर्चा की है और जो बात निकल करके आई है वो आई है कि राजस्थान के अंदर होने 5 साल में जो सरकार के काम हुए हैं, जो ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं, जो 10 तरीके की गारंटियां हैं, जो बजट SC ST पिछड़े इलाके के लिए जिस प्रकार से बजट को बढ़ा करके उनको लाभान्वित किया गया है, कर्मचारी वर्ग के लिए OPS लागू की गई है, और वो तमाम एक तरीके से पूरे देश में नवाचार राजस्थान में हुए हैं, उसको लेकर के हमारे विकास के काम को लेकर के योजनाओं को लेकर के हम नीचे के लेवल पे कार्यकर्ताओं के साथ में जाएंगे। योजनाओं का जिनको लाभ मिला है लाभार्थियों से हम संवाद करेंगे, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बैठक करके प्रत्येक विधानसभा वार हम लोग इन योजनाओं का लाभ कैसे मिले ये सुनिश्चित करने का कार्य भी करेंगे और संगठन को भी गति देने का काम करेंगे। आपने देखा होगा कि पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति जो लोगों में उत्साह है, पहले राहुल गांधी जी मानगढ़ में आए, ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ आदिवासियों का, भीलवाड़ा में आदरणीय खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, ऐतिहासिक किसान सम्मेलन हुआ, कल केवल 48 घंटे की तैयारी के साथ में किस प्रकार से इंदिरा रसोई का जो लॉन्चिंग हुआ कार्यक्रम, वहां भी हजारों की संख्या में प्रियंका जी के वेलकम के लिए, उनको सुनने के लिए आए, और प्रियंका जी ने बड़े एक एक मुद्दे को कि किस प्रकार हमारी सरकार ने काम किया और किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है, ये सब बातें की है। आज भी जो मीटिंग में और रात की मीटिंग में भी ये निकल करके आया है कि हम काम करते हैं वो केवल बात करते हैं, हम दिल से काम किया है तो कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से करेगी। ये सब चीजों की चर्चा हुई है और कैंपेन कमेटी के तमाम मेंबरों को अभी गोविंद मेघवाल जी ने सबसे राय जानी है, एक रोड मैप बनाएंगे और हम जल्द ही एक दो दिन में हमारी कैंपेनिंग को घोषणा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी, चाहे घेराव यात्रा हो, चाहे आक्रोश यात्रा हो, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, वो एक नौटंकी बन के रह गई है, लोग नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अनूपगढ़ में हमारे जयपुर ग्रामीण के MP को किस प्रकार से बीच में प्रेस वार्ता छोड़ करके आना पड़ा और वो जवाब नहीं दे सके कि तुम्हारे टिकट मांगने वाले मेंबर के पीछे दो दो आदमी भी नहीं लेकर के आए, तो फिर किस बात की आप मीटिंग कर रहे हो। कल जो हमें जानकारी मिली है कि इनकी यात्राएं, जो परिवर्तन यात्राएं फेल हो रही हैं, बड़ा नेता आता है और मूड ऑफ हो जाने के बाद में वो चला जाता है और पीछे से जो चुनिंदा लोग आ रहे हैं वो भी उस यात्रा में शामिल नहीं होते हैं, इसको लेकर के इनको दिल्ली तलब किया गया है जैसा सुनने में आया है, और दिल्ली तलब करके इनको पूरी तरीके से डांटा गया है कि आपने 5 साल में किया क्या, आप एक भी ऐसी काम नहीं कर पाए जिससे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को घेरा जा सके। मैं समझता हूं ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, ये केवल धर्म के आधार के ऊपर झूठी बातें करके मोदी जी ने जो झूठे सपने 9 साल से दिखा रहे हैं उनके झूठे सपने को बेच करके, ये पुनः भाई को भाई से लड़ा करके
हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान शमशान करके और राज में आना चाहते हैं, जो अब कतई संभव नहीं है। देश की और राजस्थान की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस का विजन क्या है। किसान की बिजली फ्री, आम उपभोक्ता की घरेलू बिजली फ्री, किसान की लंपी में गाय मर गई वो 40,000 रुपए, किसान को 2 गाय या भैंस के लिए गारंटी 40,000 की, आम उपभोक्ताओं की महंगाई की मार से बचाने के लिए 500 रुपए में उज्ज्वला योजना वालों को गैस का सिलेंडर, 125 दिन का रोजगार, इंदिरा रसोई 8 रुपए में भरपेट स्वादिष्ट भोजन, ओपीएस, मैं समझता हूँ 25 लाख का इलाज फ्री, 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, ये ऐसे अनेकों काम हैं जो घर घर में उनका लाभ मिला है, चर्चाएं हैं, लोगों में उत्साह है और तमाम लोग राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का मूड बना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल मोदी के चेहरे पे सांप्रदायिकता का फूट दे करके, झूठ बोल करके और गांधी परिवार को गाली निकाल करके चुनाव जीतना चाहता है, जो अब जमाना चला गया है, सब लोग समझ गए। मीडिया के माध्यम से मैनेजमेंट करके और वो अपनी विफलताओं को छुपा करके अगर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो भाई ये इंडिया है, इंडिया सब समझता है और इंडिया अब एनडीए को जवाब देने के लिए